और माँ। उसे ढूंढने के लिए अपने बेस्ट ऑफिसर को डिप्लॉय करूंगा। 250 करोड़ की सिंघम अगेन को कमाने पड़ेंगे बस 50 करोड़। और ये नहीं है कोई प्रैंक, क्योंकि बम्पर जैकपॉट लगा है शेट्टी के हाथ, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस दंगल में लूजर साबित होने से बचेगी सिंघम अगेन। अब ये सब सुनकर आपको हैरानी हुई होगी कि बस 50 करोड़, ये कैसा टारगेट है। तो यहाँ बात ये है कि रोहित शेट्टी और अजय देवगन के करियर में उन्हें सबसे बड़ा तोहफा भी मिला है। अरे हम दिवाली के तोहफे की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम राइट्स की बात कर रहे। दरअसल सिंघम अगेन के सैटेलाइट डिजिटल एंड म्यूजिकल राइट्स 200 करोड़ में बिक चुके हैं, यानी नॉन थिएट्रिकल डील्स में सिंघम अगेन ने बाजी मार लिए। एंड मासी स्टार कास्ट एंड मासी डायरेक्टर के कारण इस फिल्म को डिजिटल वर्ल्ड में काफी डिमांड बढ़ गई है। वेल, वैसे सिंघम अगेन का बजट है 250 करोड़, उसमें से अगर 200 करोड़ डील्स में ही इन लोगों ने कवर कर लिए तो फिर इनके पास सिर्फ 50 करोड़ कमाने का ही टारगेट रहेगा ना। मतलब कि जो पैसा लगाया वो वसूल होने के लिए बस 50 करोड़ कमाने पड़ेंगे, जिससे कि इनका ये बजट रिकवर हो जाएगा, जो कि सिंघम अगेन के लिए मुश्किल बात नहीं है। हालांकि बजट बस वसूल करना इनका मोटिव नहीं है। अब रोहित शेट्टी खतरों के खिलाड़ी हैं, उनका सपना 500 से 700 करोड़ तो क्रॉस करना है ही है, बाकी बजट वसूल करना भी है। अरे बड़े बड़े सपने इन्होंने देखे हैं, इसलिए तो बड़े हुए ना, तो सिंघम अगेन को लेकर इतना छोटा सपना कैसे देख सकते हैं। पर इतना जरूर है कि इस सब की वजह से 80% इनका अमाउंट यही कवर हो चुका है। इसका मतलब सिंघम अगेन काफी सेफ स्पॉट पर खेल रही है। वैसे सबकी खुशी तो है, पर ज्यादातर रिलैक्स हम इस चीज से भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर ने इतना यकीन दिखाया तो उस लेवल का काम फिल्म को करना तो पड़ेगा, वरना सब थूथू करेंगे। पर शेट्टी अन्ना को ये यकीन है कि उनका कंटेंट दमदार तो है, किसी को निराश नहीं करेंगे, इसीलिए तो भूलभुलैया 3 से क्लैश करने से डर भी नहीं रहे। वैसे रोहित ने इससे पहले PVR के साथ भी एक डील की और मल्टीप्लेक्स शोज के लिए 60% सीट्स पर हाथ मारा है, तो ये काफी अच्छा डील है। पर यहाँ खुश होकर नहीं चलेगा बात, बिकॉज रोहित आपके सामने एक बंदा ऐसा भी है जो अपने पत्ते खोलने जा रहा है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अनिल तदानी की, जो कि भूलभुलैया 3 के डिस्ट्रीब्यूटर है, साथ ही पुष्पा 2 के भी, और ये वही है जिन्होंने इससे पहले कल्कि 2898 AD एंड देवरा को डिस्ट्रीब्यूट किया है हिंदी मार्केट में। तो अब उनकी ये प्लानिंग चल रही है कि भूलभुलैया 3 और पुष्पा 2 के लिए वे ज्यादा से ज्यादा सिंगल स्क्रीन सिक्योर करेंगे, ताकि वो सिंघम अगेन के अगेंस्ट कम्पीट कर सके। एंड इसीलिए वे इंडिया में कई सारे एग्जीबिटर्स से मिले भी हैं। बाय द वे, इनकी स्ट्रैटेजीज काफी कमाल की तो होती हैं, क्योंकि सब सलार को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड सामने डंकी थी शाहरुख खान की, तब सलार को ज्यादा से ज्यादा शोज ना मिलने के कारण इन्होंने थिएटर ओनर्स को ये वार्निंग दी थी, अगर उन्हें एनिमल चाहिए जिसे भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो थिएटर ओनर्स को सलार को ज्यादा से ज्यादा शोज देने पड़ेंगे। एंड इसका काफी अच्छा इम्पैक्ट भी दिखाई दिया था। तो रोहित को डेफिनेटली अब इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी कॉम्पिटिटर पार्टी क्या क्या कर सकती है। वैसे रोहित ये तो देखेंगे यहीं पर, वो फिलहाल एक सरप्राइज देने के मूड में। अब जैसे कि 3 अक्टूबर को सिंघम अगेन का ट्रेलर आएगा ऐसा कहा गया, तो वही News8/24 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बोला गया कि 3 अक्टूबर को टीजर आ सकता है, जिस दिन से नवरात्रि शुरू होगी। 11 अक्टूबर को शायद इसका ट्रेलर आ सकता है। एंड दशहरा से ये लोग फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत करेंगे, बिकॉज बेसिकली 1 नवंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, तो उससे 3-4 हफ्ते पहले ये प्रमोशन शुरू कर देंगे। एंड फेस्टिव सीजन में प्रमोशन करने से फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। देखते हैं अब प्रमोशंस में ये लोग ऐसा क्या नया करने वाले हैं जिससे कि सिंघम अगेन के लिए लोग दीवाने हो जाएंगे। वेल, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाय टू 8828858888।